आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज हम राष्ट्रवादी नेता फिरोज शाह मेहता को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 अगस्त 1845 को बॉम्बे में हुआ था। मेहता ने 1864 में लिंकन्स इन में प्रवेश किया और बार के लिए योग्यता प्राप्त की। इंग्लैंड में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी से मिलने जाया करते थे और ये मुलाकातें उनके उदार दृष्टिकोण को ढालने में महत्वपूर्ण साबित हुईं। केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के अलावा रानाडे गोखले, दिनशॉ वाचा, उमेश चंद्र बनर्जी और बाल मोहन वागले उनके कुछ करीबी दोस्त थे। शिक्षा के प्रति वो जीवन भर आकर्षित रहे। फिरोज शाह मेहता ने शिक्षा को ऐसा माध्यम माना जिसके जरिए भारत तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर सकता है। उन्होंने स्वदेशी बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में मदद की। मेहता को मुख्य रूप से आधुनिक बॉम्बे नगर निगम के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसे उन्होंने लगभग आधी शताब्दी तक विशिष्ट तरीके से बढ़ावा दिया और वहां सेवा की। वो मुख्य रूप से अंग्रेजी समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना के लिए जाने जाते थे, जो राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति भारतीय जनता की राय व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया था। न्यायमूर्ति तैलंग के साथ उन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इसके सचिव के रूप में कार्य किया। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। उन्होंने 1890 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अध्यक्षीय संबोधन में फिरोज शाह मेहता ने कहा, साथियों, वो तमाम आंदोलन जिन्हें लेकर हम चिंतित हैं, वो कई चरणों से गुजरते हैं। पहला चरण होता है उपहास का, दूसरा होता है दुष्प्रयोग का, जिसके बाद मिलती है कुछ रियायत और वो भी आंदोलन को और आगे न बढ़ाने की चेतावनी के साथ। और इन सब का अंतिम चरण वो होता है दोस्तों, जब आंदोलन के मकसद को अपनाया जाता है, लेकिन इस हैरत के साथ कि इसे पहले क्यों नहीं अपनाया गया। हमने पहले दोनों चरण पार कर लिए हैं।